नेक्स्ट टॉपिक है आपका विन. यू कैन नॉट सी एयर बट यू कैन सी थिंग्स मूविंग बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन एयर. आप हवा को देख नहीं सकते लेकिन चीज़ों को मूव करते हुए देख सकते हैं. बिकॉज ऑफ मूवमेंट इन एयर, हवा में मूवमेंट जो होता है उसके कारण आप चीज़ों को मूव करते हुए देख सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड विंड, इसको हवा कहते हैं. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, जो मूव करती हुई हवा है उसको हम विंड कहते हैं. विंड इज़ सिंपली एयर इन मोशन, जो आपकी हवा होती है वो एयर एक सिंपल गति में होती है. व्हेन विंड ब्लोज स्ट्रॉन्गली इट बिकम्स स्टॉर्म, जब हवा तेज़ी से बहती है तो वह आंधी, उसे आंधी कहते हैं. अ विंड कैन मूव थिंग्स लाइक क्लॉथ पेपर काइट्स एंड लीव्स, जो हवा होती है वो चीज़ों को मूव करती है जैसे क्लॉथ पेपर काइट्स एंड लीव पत्ते. इट ऑल्सो कैरीज सीड्स ऑफ प्लांट्स टू न्यू प्लेस, यह बीजों, जो पेड़ होते हैं पौधे होते हैं उनके बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है. इन दिस वे, यही कारण है कि द न्यू प्लांट्स गेट मोर स्पेस टू ग्रो, यही कारण है कि जो आपके नए प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उगते हैं. पीपल यूज विंड टू मूव द सेल बोट्स फॉरवर्ड ऑन वाटर, जो हवा वो लोग होते हैं वह हवा का प्रयोग बोट को एक पानी में आगे बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं हवा का प्रयोग. विंड वैन गिव हीट इज यूज फॉर फ्लाइंग हॉट एयर बैलून, जो हवा है उसका प्रयोग बैलून को ऊपर आगे बढ़ाने के लिए होता है. हॉट एयर का प्रयोग जो होता है वो बैलून्स को ऊपर उड़ाने के लिए काम में आता है. ब्रीथ फ्रेश एयर, वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर, हमें सांस ताजी और साफ हवा में लेनी चाहिए. प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश, जो पौधे होते हैं वो हवा को साफ और स्वच्छ बनाते हैं. वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स अराउंड अस, हमें अपने आसपास बहुत सारे पौधे लगाने चाहिए. वी शुड कीप द डोर्स एंड विंडोज़ ओपन फॉर फ्रेश एयर टू कम इन, हमें अपनी जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं उनको ओपन रखना चाहिए फ्रेश एयर आने के लिए. अपने जो घर के दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं उनमें उनको ओपन रखना चाहिए जिससे फ्रेश एयर अंदर आ सके. वी शुड नॉट कवर अवर फेस वाइल स्लीपिंग, हमें अपना फेस कवर नहीं करना चाहिए. जब हम सोते हैं तो हमें अपने फेस को कवर करके नहीं सोना चाहिए. वी शुड प्ले इन ओपन प्लेस, हमें खुली जगह में नहीं खेलना चाहिए. थैंक यू, आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया.